ओम शांति मुरली का तारीख है 25 दस 2019 मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम बच्चों को कुंभी पाक नरक से निकालने के लिए तुम बच्चों ने बाप को निमंत्रण भी इसलिए दिया है प्रश्न तुम बच्चे बहुत बड़े ते बड़े कारीगर हो कैसे तुम्हारी कारीगारी क्या है उत्तर हम बच्चे ऐसी कारीगारी करते हैं जो सारी दुनिया ही नई बन जाती है उसके लिए हम कोई ईंट या तगारी आदि नहीं उठाते हैं लेकिन याद की यात्रा से नई दुनिया बना देते हैं हमें खुशी है कि हम नई दुनिया की कारीगारी कर रहे हैं हम ही फिर ऐसे स्वर्ग के मालिक बनेंगे ओम शांति मीठे-मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं तुम जब अपने अपने गांव से निकलते हो तो या बुद्धि में रहता है कि हम जाते हैं शुबाबा की पाठशाला में ऐसे नहीं कि कोई साधु संत आदि का दर्शन करने वहां शास्त्र आदि सुनने आते हो तुम जानते हो हम जाते हैं शिबाबा के पास दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं, शिव ऊपर में रहते हैं वहाँ जब याद करते हैं तो आंखें कोल कर नहीं बैठते वहाँ आंख बंद कर ध्यान में बैठते हैं, शिवलिंग जो देखा हुआ होता है बल शिव के मंदिर में जाएंगे तो भी शिव को याद करेंगे तो ऊपर में देखेंगे वहां मंदिर याद आएगा कई फिर आंखें बंद करके बैठते हैं समझते हैं दृष्टि कहाँ भी नाम रूप में अगर जाएगी तो हमारी साधना टूट जाएगी अभी तुम बच्चे जानते हो हम बल शुभा को याद करते थे कोई कृष्ण को याद करते कोई राम को याद करते कोई अपने गुरु को याद करते गुरु का भी छोटा लाकेट बनाकर पहनते हैं, गीता का भी इतना छोटा लाकेट बनाकर पहनते हैं भक्ति मार्ग में तो सब ऐसे ही हैं, घर बैठे भी याद करते हैं याद में यात्रा करने भी जाते हैं चित्र तो घर में रखकर पूजा कर सकते हैं, परंतु यहां भी भक्ति का रसम पड़ी हुई है जन्म जन्मांतर यात्राओं पर जाते हैं चारों दाम की यात्रा करते हैं चार दाम क्यों कहते हैं वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ चारों का चक्कर लगाते हैं भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो पहले एक की भक्ति की जाती है उसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति सतो प्रदान अभी तो इस समय है तमो प्रदान भक्ति भी व्यभिचारी अनेकों को याद करते रहते हैं सतो प्रदान पांच तत्वों का बना हुआ देवताओं के शरीर को भी याद करते हैं तमो प्रदान पांच तत्वों का बना हुआ शरीर उसको भी पूजते हैं। तो गोया, तमो बूतों की पूजा करते हैं परंतु इन बातों को कोई समझते तोड़े ही है बल यहाँ बैठे है परंतु बुद्धियों कहाँ बटकता रहता है यहाँ तो तुम बच्चों को आंखें बंद कर शुबाबा को याद नहीं करना है जानते हो बाप बहुत बहुत दूर देश का रहने वाला है वहां आकर बच्चों को श्रीमत देते श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ देवता बनेंगे देवताओं की सारी राजधानी स्थापन हो रही है तुम यहाँ बैठे अपना देवी देवताओं का राज्य स्थापन करते हो पहले तुमको पता तोड़े ही था वहां कैसे स्थापन होता है अभी जानते हो बाबा हमारा बापी है टीचर बनकर पढ़ाते और फिर साथ में भी ले जाएंगे सदगति करने गुरु लोग किसी की सदगति नहीं करते यहां यहाँ तुमको समझाया जाता है या एक ही बाप टीचर सतगुरु है बाप से वर्षा मिलता है सतगुरु पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाएंगे इन सब बातों को बूढ़ी बूढ़ी माताएं तो समझ ना सके उनों के लिए मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ शुबाबा को याद करना हम शुबाबा के बच्चे हैं हमको बाबा स्वर्ग का वर्षा देंगे बूढ़ी माताओं को फिर ऐसे ऐसे तोतली भाषा में बैठ समझाना चाहिए या तो हर एक आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेना मौत तो सामने कड़ा है पुरानी दुनिया सो फिर जरूर नई बननी है नई सो पुरानी गर को बनने में कितने तोड़े मास लगते हैं, फिर पुराने होने में सौ वर्ष लग जाते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो, पुरानी दुनिया, अब अब होनी है। लड़ाई जो अब लगती वह फिर पांच हजार वर्ष के बाद लगेगी या सब बातें बुढ़िया तो समझ ना सके या फिर ब्राह्मणियों का काम है उन्हों को समझाना, उनके लिए तो एक अक्षर ही काफी है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। तुम आत्मा, परम दाम में रहने वाली हो, फिर यहाँ शरीर लेकर पार्ट बचाती हो। आत्मा यहाँ दुख और सुख का पार्ट बचाती। मूल बात, बाप कहते हैं, मुझे याद करो और सुखदाम को याद करो बाप को याद करने से पाप कट जाएंगे और फिर स्वर्ग में आ जाएंगे अब जितना जो याद करेंगे उतना पाप कटेंगे बुढ़िया तो हिरी हुई है सत्संगों में जाकर कथा सुनती है उन्हों को फिर गड़ी गड़ी बाप की याद दिलानी है स्कूल में तो पढ़ाई होती कथा नहीं सुनी जाती भक्ति मार्ग में तो तुमने डेर कथाएं सुनी परंतु उनसे कुछ भी फायदा नहीं होता चीची दुनिया से नई दुनिया में तो जा ना सके मनुष्य ना तो रचयिता बाप को ना रचना को जानते हैं नेती नेती कह देते हैं। तुम भी आगे नहीं जानते थे अभी तुम भक्ति मार्ग को अच्छी रीति जान गए हो घर में भी बहुतों के पास मूर्तियां होती हैं। चीज वही है कोई कोई पति लोग भी स्त्री को कहते हैं तुम घर में मूर्ति रख बैठ पूजा करो बाहर धक्का काने क्यों जाती हो परंतु उनों की भावना रहती है अभी तुम समझते हो तीर्थ यात्रा करना माना भक्ति मार्ग के दक्के काना अनेक बार तुमने चौरासी के चक्र काटे सत्युग त्रेता में तो कोई यात्रा नहीं होती वहां कोई मंदिर आदि होता नहीं या यात्रा ये आदि सब भक्ति मार्ग में ही होती है ज्ञान मार्ग में या सब कुछ होता नहीं उनको कहा जाता है भक्ति ज्ञान देने वाला तो एक के सिवाय दूसरा कोई है नहीं ज्ञान से ही सदगति होती है सदगति दाता एक ही बाप है शुबाबा को कोई श्री श्री नहीं कहते उनको टाइटल की दरकार नहीं या तो बड़ाई करते हैं उनको कहते ही हैं शुबाबा तुम बुलाते शुभा हम पतित बन गए हैं हमको आकर पावन बनाओ बक्ती मार्ग में दुबन में गले तक फस, पड़े। फस कर फिर चिल्लाते विषय वासना के दुबन में एकदम फस पड़ते हैं सीढ़ी नीचे उतरते उतरते फस पड़ते हैं कोई को भी पता नहीं पड़ता तब कहते हैं बाबा हमको निकालो बाबा को भी ड्रामा अनुसार आना ही पड़ता है बाप कहते हैं मैं बंद हूं इन सबको दुबन से निकालने इनको कहा जाता है कुंभी पाक नरक रउरव नरक भी कहते हैं या बाप बैठ समझाते उनको पता तोड़े ही पड़ता है तुम बाप को देखो निमंत्रण कैसा देते हो निमंत्रण तो कोई शादी मुरादी आदि पर दिया जाता है तुम कहते हो हे पतित पतित पावन बाबा इस पतित दुनिया रावण की पुरानी दुनिया में आओ हम गले तक इसमें फंसे हुए हैं सिवाय बाप के और तो कोई निकाल ना सके कहते भी है दूर देश का रहने वाला शुबाबा या रावण का देश है सबकी आत्मा तमो प्रदान हो गई है इसीलिए बुलाते भी है कि आकर पावन बनाओ पति पावन सीताराम ऐसे गाते चिल्लाते हैं ऐसे नहीं कि वहां पवित्र रहते हैं या दुनिया ही पतित है रावण राज्य है इनमें तुम फस पड़े हो फिर यहाँ निमंत्रण दिया है शुबाबा आकर हमको कुंभी पाक नरक से निकालो तो बाप आए कितना तुम्हारा सर्वेंट है, ड्रामा में अपार दुख तुम बच्चों ने देखे टाइम पास होता जाता है एक सेकेंड ना मिले दूसरे से अब तुम बच्चे बाप को याद करते हो अब बाप तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते फिर तुम आधा कल्प राज्य करेंगे स्मृति में लाओ, अभी टाइम बहुत तोड़ा है। मौत शुरू हो जाएगा तो मनुष्य मूंज जाएंगे तोड़े समय में क्या हो जाएगा कई तो ताका सुनकर भी हार्ट फेल हो जाएंगे मरेंगे ऐसे जो बात मत पूछ देखो डेर बूढ़ी बिचारी कुछ भी समझ ना सके जैसे तीर्थ पर जाते ना तो एक दो को देख तैयार हो पड़ते हम भी चलते हैं अभी तुम जानते हो भक्ति मार्ग के तीर्थ यात्रा का अर्थ ही है नीचे उतरना तमो प्रदान बनना बड़े ते बड़ी यात्रा तुम्हारी यह जो तुम पति दुनिया से पावन दुनिया में जाते तो इन बच्चियों को कुछ तो शुबाबा की याद दिलाते रहो शुबाबा का नाम याद है तोड़ा बहुत सुनती है तो स्वर्ग में आएगी यह फल जरूर मिलना है बाकी पद तो है पढ़ाई से इसमें बहुत फर्क पड़ जाता है ऊंचते फिर कम से कम रात का फर्क पड़ जाता है कहा प्राइम मिनिस्टर कहा नौकर चाकर में राजनी होते हैं, स्वर्ग में भी राजधानी होती है परंतु वहां पाप आत्माएं गंदे विकारी नहीं होंगे वहां है ही निर्विकारी दुनिया तुम कहेंगे हम यहाँ लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे तुमको हाथ उठाते देख बुढ़िया आदि सब हाथ उठा देगी समझती कुछ नहीं है फिर भी बाप के पास आई है तो स्वर्ग में तो जाएगी परंतु सब ऐसे तोड़े ही बनेंगे प्रजा भी बनेगी बाप कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ तो बाबा गरीबों को देख खुश होते हैं बल कितने भी बड़े ते बड़े सहुकार पदम पति है उनसे भी यहाँ पद पाएंगे 21 जन्मों के लिए। भी अच्छा है, है जब आती है तो बाप को खुशी होती है फिर भी कृष्णपुरी में तो जाएगी ना, है रावणपुरी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, तो कृष्ण को भी गोद में झुलाएंगे प्रजा तोड़े ही अंदर आ सकेगी वहां तो कभी करके दीदार करेगी जैसे पोप दीदार कराते किड़की से लाखों आकर इकट्ठे होते हैं दर्शन करने परंतु उनका हम क्या दीदार करेंगे यवर पावन तो एक ही बाप है जो तुमको आकर पावन बनाते है। सारे विश्व को सतो प्रदान बनाते है। वहां या पांच भूत रहेंगे नहीं पांच तत्व भी सतो प्रदान बन जाते तुम्हारे गुलाम बन जाते हैं कभी भी ऐसी गर्मी नहीं होगी जो नुकसान हो जाए पांच तत्व भी कायदे अनुसार चलते हैं मृत्यु नहीं होती अभी तुम स्वर्ग में चलते हो तो नरक से बुद्धियोग निकाल देना चाहिए जैसे नया मकान बनाते हैं तो पुराने से बुद्धि हट जाती है बुद्धि नई में चली जाती है या फिर है बेहद की बात नई दुनिया की स्थापना हो रही है पुरानी का विनाश होना है, तुम हो नई दुनिया स्वर्ग बनाने वाले तुम बहुत अच्छे कारीगर हो अपने लिए स्वर्ग बना रहे हो कितने बड़े अच्छे कारीगर हो याद की यात्रा से नई दुनिया स्वर्ग बना रहे हो जानते हो हम इस शरीर को छोड़ फिर जाकर स्वर्ग में निवास करेंगे तो ऐसे बेहद के बाप को भूलना नहीं चाहिए अभी तुम स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ रहे हो अपनी राजधानी स्थापन करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, हो रावण की राजधानी जानी है, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए हमने यहाँ स्वर्ग तो अनेक बार बनाया है राजाई ली है फिर गवाई है यहाँ भी याद करो तो बहुत अच्छा हम स्वर्ग के मालिक थे बाप ने हमको ऐसा बनाया था बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप बस्म होंगे कितना सहज रीति तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे पुरानी दुनिया के विनाश के लिए कितनी चीजें निकलती रहती है कुदरती मूसल, मिसाइल्स आदि द्वारा सारी पुरानी दुनिया खत्म होगी अब बाप आए हैं तुमको श्रेष्ठ मत देने श्रेष्ठ स्वर्ग की स्थापना करने अनेक बार तुमने यहाँ स्थापना की है तो बुद्धि में याद रखना चाहिए अनेक बार राज्य लिया फिर गवाया या बुद्धि में चलता रहे और एक दो को भी यहाँ बातें सुनाओ। दुनियावी बातों में समय नहीं गवाना बाप को याद करो स्वदर्शन चक्रदारी बनो यहाँ बच्चों को अच्छी रीति सुनकर फिर बहुत उगारना है सिमिरन करना है बाबा ने क्या सुनाया शुभाबा और वर्से को तो जरूर याद करना चाहिए बाप हथेली पर बहिष्ट ले आए पवित्र भी बनना है पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा कानी पड़ेगी पद भी बहुत छोटा स्वर्ग में पद पाना है तो तो अच्छी रीति करो बाप रास्ता तो बहुत सहज बताते अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मातपिता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 दारना के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी तरह सुनकर फिर उगारना है दुनियावी बातों में अपना समय नहीं गवाना है सेकंड पॉइंट बाप की याद में आंखें बंद करके नहीं बैठना है श्री की राजधानी में आने के लिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी वरदान, मन मना हो, अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान बवा संगम युग पर यादगार मनाना अर्थात बाप समान बनना या संगम युग के सुहेज है खूब मनाओ लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए मनाओ सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं लेकिन मन मनाबो हो मनोरंजन मनाओ अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है संगम युगी दीप माला की विधि पुराना खाता खत्म करना हर संकल्प हर गड़ी नया अर्थात अलौकिक हो पुराने संकल्प संस्कार स्वभाव चाल चलन या रावण का कर्ज है। इसे एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो श्लोगन बातों को देखने के बजाय स्वयं को और बाप को देखो अच्छा ओम शांति